मेजरमेंट। तो मोशन एंड मेजरमेंट की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। मोशन मानी मैं ऐसे हैंड को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये किस की वजह से घुमा पा रहा हूँ मैं हैंड को? मैं मोशन की वजह से, क्योंकि मोशन हो रहा है इसी की वजह से मैं अपने हैंड को हिला पा रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट की स्टोरी है, जो जैसे अब है, तो अब तो हम गाड़ी में जो कार होती है या मोटरसाइकिल लेके अपन कहीं पे चले जाते हैं, लेकिन पहले वाले लोग क्या, पहले भी क्या मोटरसाइकिल या कार थी पहले के जमाने में? थी नहीं थी। तो हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी हम बात करेंगे और नीड टू मेजर डिस्टेंस कि हमें ज़रूरी क्यों पड़ी, हमें ज़रूरी क्यों पड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने की, डिस्टेंस को हमने मेज़र करना क्यों चालू किया? मान लो हमको कोई कई जगह पे जाना, वो बहुत दूर हो, तो वो अपन को पता है क्या वो कितनी दूर है? उसको अपन किलोमीटर से ही नाप सकते हैं। नीड टू मेज़र डिस्टेंस, इसी के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें डिस्टेंस देखना पड़ता है कि वो कितनी दूर है, वो कितनी दूर है और वो कितने किलोमीटर के अंदर है। तो मेजर तो आता है, मेजर करना है, जैसे हमें किलोमीटर को मेजर करना है, तो हमें कहीं पे जाना है तो किलोमीटर में करेंगे हम मेजर, या मीटर में करेंगे, या हम सेंटीमीटर में करेंगे मेजर। तो हम इन तीन कैटेगरीज में हमें मेजर करेंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस को। और टाइम को कैसे मेजर करें? तो टाइम में या तो हावर, मिनट, सेकंड, तो इसमें हम मिनट को मेजर करते हैं, वो कित समय को मेजर करते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या है? द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वालिटी ऑफ सम काइंड इज कॉल्ड यूनिट। तो क्वांटिटी जो कितनी दूर है, तो किलोमीटर यूनिट, मीटर यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट, तो ये सभी यूनिट के अंदर आता है। तो अब हम व्हाट इज मेजरमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो जो मेजरमेंट होते हैं वो टू पार्ट में कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज ए नंबर। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? वो खुद नंबर होता है। जैसे 1000 किलोमीटर, तो ये 1000 ये पहला नंबर है, फिर तो ये किलोमीटर है। 1000 एक पहले नंबर आया है, फिर है किलोमीटर, तो पहला पार्ट है वो नंबर। सेकंड पार्ट ऑफ मेजरिंग इज द नेम ऑफ यूनिट। और दूसरा क्या नेम है? दूसरा नेम है यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? तो ये तो है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड। यूनिट है किलोमीटर, थाउजेंड तो है, ये तो है कोई नंबर है ये, और किलोमीटर यूनिट है। तो नीड फॉर मेजरिंग स्केल, तो हमें नीड फॉर मेजरिंग स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले क्या, पहले के ज़माने में लोग किसे नापते थे? अपने हैंड से, कि ये कितना इतना लंबा है, और या ये इतना लंबा है, और ये अंगुली से नापते थे, अंगुलियों से नापते थे। तो पहले के ज़माने में या तो अंगुली से नापते थे या अपने पूरे हैंड से। तो अब क्या, अब अपन किस से नापते हैं? अब हम द थर्ड ऑब्जेक्ट यूज टू कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए स्केल। तो हम क्या, हम अब किस से नापते हैं? पहले तो हम हैंड से नापते थे, और हैंड के बाद में अब हम नापते हैं स्केल से। किस से नापते हैं अपन? अब स्केल से, पहले हैंड से, और अब एक नई चीज़ आई है जिसका नाम है स्केल, कि ये है तो इसको अपन क्या स्केल से नाप सकते हैं। और स्केल भी कोई फिक्स पॉइंट पे अपन को रखना पड़ता है, कि एक स्केल ले लिया अपन ने, तो अपन ने इस लाइन को मेजर करना है, तो यहाँ पे एकदम इस पॉइंट पे, और इतना
इन दोनों पे, एक तो यहाँ पे जो जीरो पॉइंट है उसको इस उस लाइन को यहाँ पे रखना है और जो लास्ट लाइन है उसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है उसको। तो हमने बात कर ली नीड फॉर मेजरिंग स्केल की, अब हम आगे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्केल कि कौन से एडवांटेज है स्केल के यूज करने के, क्या क्या फायदे हैं। स्केल कैन बी इजीली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। तो जो स्केल होता है वो क्या, अपन एक एक जगह से दूसरी जगह स्केल को अपन ले जा सकते हैं, अपन उसको एक दूसरे स्टेट में भी ले जा सकते हैं, वो बदलेगा नहीं। द स्केल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेजरमेंट, और वो चेंज उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा मेजरमेंट में, चाहे अपन इंडिया से उसको फ्रांस ले जाओ उसका कोई चेंज नहीं आएगा मेजरमेंट में, और वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी स्केल जा सकता है। इन 1790 फ्रांस क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। तो जो फ्रांस ने क्या 1790 के अंदर एक यूनिट बनाई थी उसका क्या नेम है, स्टैंडर्ड यूनिट, और वो क्या मेजरमेंट के काम में आती है, कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट, और वो उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, क्या बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रांस ने बनाई थी 1790 में। और एक बात दो, स्केल भी अपन एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने बात कर ली एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्केल के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितना होता है 100 part of a meter, मीटर का 100 part, मीटर का 100 part मीटर का मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर को ये बोलते हैं। और जो किलोमीटर है, किलोमीटर किलोमीटर को क्या बोलते हैं, किलोमीटर में 10000, उसको भी ऐसा यूनिट बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।